ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने आ गई एक गर्मा गर्म सब्जी का रेसिपी लेके। आज मैंने लेके आ गया घी करेला की सफ़ेद अनोखा सब्जी मेरा मम्मी स्टाइल में। तो चलिए देख लेते हैं ये घी करेला सफ़ेद अनोखा सब्जी टेस्टी टेस्टी कैसे बनते हैं। मैजिक मोमेंट चैनल उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आप लोगों के सामने आज हाजिर हो गई एक वेजिटेरियन डिश लेके जो वेजिटेरियन लोगों को बहुत पसंद होगा। आज मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है घी करेला अनोखा सब्जी। तो ये सब्जी मेरा मम्मी बनाती थी हमेशा, मैंने बचपन से माँ के हाथ में ये सब्जी खाया है। तो आज मेरे मम्मी ने मुझे खुद रिक्वेस्ट किया मेरा एक रेसिपी आप लोगों के सामने बनाने के लिए। तो घी करेला अनोखा सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। इधर मैंने ये है मेरा मसाला का रैक जिधर सारे मसाला इधर मैंने एक साथ एक रैक पे रखा है। घी करेला अनोखा सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए घी करेला 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम, उसके साथ साथ हमें चाहिए नारियल का पेस्ट। आप चाहे तो पूरा हुआ नारियल भी ले सकते हैं, इधर मैं यूज़ करी हूँ पिसा हुआ नारियल। एक नारियल लेके उसका मैंने आधा पीस किया, दो आधा पीस किया, उससे आधा पीस का पेस्ट बनाया मैंने। घी करेला बनाने के लिए हमें और एक चीज़ चाहिए मैंडेटरी है, वो है मस्टर्ड का पेस्ट। इधर मैंने मस्टर्ड लिया है 10 ग्राम, जैसे 10 ग्राम मस्टर्ड के साथ मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली और सॉल्ट डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है, इससे मस्टर्ड कभी बिटर नहीं होती। और इसके साथ साथ ये सब्जी बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा डाइस्ड ऑनियन, थोड़ा सा, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इधर यूज़ करूँगी थोड़ा सा डाइस्ड टमाटर, ये भी अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ हल्दी या कुछ मसाला कुछ भी नहीं ऐड होगा, सिर्फ ऐड होगा थोड़ा सा सूखा मिर्च, बेलिफ एंड उसके साथ थोड़ा सा कलौंजी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरा एक रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा रेसिपी एकदम एंड तक देखना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए घी करेला अनोखा सब्जी बनाने के लिए पहले हमें घी करेला को थोड़ा सा फ्राई कर लेना होगा। हम तेल इसी हिसाब से डालेंगे कि घी करेला फ्राई होने के बाद उसी तेल के अंदर हम पूरा सब्जी को बना लेंगे। इसका नाम है घी करेला अनोखा सब्जी। तो घी करेला अनोखा सब्जी बनाने के लिए पहले तेल को गर्म होने दे, उसके बाद मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी कलौंजी। कलौंजी को पहले ही हमें ऐड कर देना है, इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और उसके साथ हमें इसके अंदर ऐड करना होगा थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च। इधर मैं 2 से 3 सूखा लाल मिर्च यूज़ किया। और उसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा तेज पत्ता मतलब बेलीफ डाल दिया। अब सारे चीज़ को एक साथ हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर पहले डालेंगे प्याज। प्याज को हम पहले डालेंगे। आप चाहे तो घी करेला को एकदम पूरा फ्राई कर सकते हैं। पूरा फ्राई करने के बाद उसके बाद उसको तेल से उठाने के बाद आप रेसिपी को बना सकते हैं, पर मैं इसको शॉर्ट से बना रही हूँ जैसा मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी। तो देखिए इधर प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये डाइस किया हुआ टमाटर। टमाटर यूज़ करने के बाद भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसको। देखिए थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये अगर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी करेला। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा ये टमाटर और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब नाउ दिस इज़ द टाइम टू ऐड दिस स्लिटेड घी करेला। इधर मैंने घी करेला जो इस्तेमाल किया उसके अंदर में जो सीड्स है उसको रख दिया। जैसे मेरा घी करेला थोड़ा सा
अच्छा था, ज़्यादा दाना नहीं था, ज़्यादा सीड्स नहीं था, इसलिए मैंने सीड का पोर्शन इसके अंदर रख दिया। और अगर आपका घी करेला उतना अच्छा नहीं है तो आप घी करेला को जो सीड्स है उसको डिस्कार्ड कर सकती है। जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर ना तो हल्दी ऐड होगा ना तो कुछ मसाला ऐड होगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्वाद के लिए थोड़ा सा स्लिटेड ग्रीन चिली, और इसका जो फ्लेवर है वो ग्रीन चिली का पेस्ट और स्लिटेड ग्रीन चिली से ही आएगा। स्लिटेड ग्रीन चिली को घी करेला के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर धीरे धीरे नमक सब कुछ ऐड करेंगे। तो चलिए मैं नमक को पहले ही ऐड कर देती हूँ। नमक को ऐड करने से क्या होगा, ये जो घी करेला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए पहले घी करेला के साथ नमक को मिला लेते हैं। अच्छे से नमक को, टमाटर को, प्याज को मैंने मिला लिया। बहुत ही आसानी से ये वाला सब्ज़ी बन जाता है, खाने में होता है एकदम माइंड ब्लोइंग। तो मैं उसके बाद आपके साथ घी करेला के, आलू के साथ, प्रॉन के साथ भी एक सब्ज़ी शेयर करूँगी। और आज मैं शेयर कर रही हूँ ये एकदम वेजिटेरियन लोगों के लिए है, घी करेला आलू का सब्ज़ी। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसके अंदर पहले यूज़ करेंगे नारियल का पेस्ट, उसके बाद यूज़ करेंगे मस्टर्ड को। चलिए इसको पकने दें। देखिए इधर हमारा घी करेला 70% फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का पेस्ट। इधर मैंने नारियल का पेस्ट ऐड कर दिया क्योंकि ये पूरा रेसिपी सिर्फ नारियल और मस्टर्ड सीड्स से बनता है, इसलिए इसका नाम है घी करेला सफ़ेद अनों का सब्ज़ी। मेरा मम्मी तो हमेशा इसको सफ़ेद घी करेला बोलती थी, मैं इसका नाम दिया है घी करेला सफ़ेद अनों का सब्ज़ी। एकदम इसके अंदर कुछ भी कलर ऐड नहीं होगा, सिर्फ नारियल और मस्टर्ड से ये बनेगा। देखिए नारियल मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको हमें थोड़ा सा पका लेना है, उसके बाद हम इसके अंदर मस्टर्ड यूज़ करेंगे। देखिए इधर हमारा नारियल थोड़ा सा घी करेला के साथ पक गया है। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी एकदम ना सूखा बनता है, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी ऐड करेंगे, वरना नहीं। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मस्टर्ड का पेस्ट, थोड़ा सा मस्टर्ड का पेस्ट डाला, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा मस्टर्ड का पेस्ट को मैंने बचा के रख दिया क्योंकि इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा नमक लगेगा इसके अंदर, पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर डालते हैं क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा सब्ज़ी मीठा भी बनता है और उसके साथ क्या बोले कि मस्टर्ड थोड़ा सा कभी बिटर ना हो जाए, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाला। अब हम अच्छे से मस्टर्ड को, नारियल को, सॉल्ट को, शुगर को एक साथ मिला लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, इसके अंदर मेरा नारियल का पेस्ट था उसके अंदर ही पानी डाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको ऐसे फ्लैट कर देंगे और उसके बाद इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर मैंने टेम्परेचर को भी कम रखा है, तो चलिए इसको पका लेते हैं, उसके बाद देखते हैं घी करेला कितना पका है। अगर ज़्यादा ना पके तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, वरना ऐसे ही सूखा होने के बाद इसको प्लेट कर लेंगे क्योंकि ये वाला घी करेला सफ़ेद अनों का सब्ज़ी एकदम सूखा बनता है। तो चलिए इसको पका लेते हैं। देखिए इधर हमारा घी करेला अनोखा सफ़ेद सब्जी एकदम बन के तैयार है। मैंने थोड़ा सा जो पानी ऐड किया था उससे ही ये बॉयल हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे, उसके पहले हम इसका एक पूरा चेक कर लेंगे। परफेक्ट, मैंने चेक कर लिया है, एकदम बन के तैयार है। आपने इंडक्शन को ऑफ कर दिया, इसके बाद चलिए सर्विंग निकालते हैं। तो देखिए इधर हमारा घी करेले के सफ़ेद अनोखा सब्ज़ी एकदम बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। अब जब राइस खाइएगा, राइस का एकदम सब कुछ खाने से पहले
अगर आप इस घी का ले लाकर सफ़ेद अनोखा सब्जी खाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। बनाना बहुत आसान है, मैंने मम्मी इसको बचपन में बनाती थी उसका स्टाइल से मैंने आज बनाया। मेरा एक रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो अंदर में स्किप मत कीजिएगा, उससे आपको पूरा रेसिपी ठीक से पता नहीं चलेगा। ये घी करेला अनोखा सफ़ेद सब्जी देखने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लाइक डालिए और कमेंट में बोले मुझको कि आपको अगला रेसिपी क्या चाहिए। और अगर आप मुझे रेसिपी के लिए कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा मेरे वीडियो पे यूपीआई आईडी को डाल देती हूँ। आप मेरा यूपीआई आईडी को स्कैन करके उसके अंदर मेरा रेसिपी गर्मा गर्म आपके सामने लाने के लिए कुछ भी डोनेट कर सकती है। आज मेरा रेसिपी इतना तक ही, लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। देखिए घी करेला कितनी अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। बाय।